मोदी जी से कहना चाहूंगी, आप माना हमने कि यू आर द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, हम मानते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन सर हम भी तो इसी देश का एक कोना है, हम भी तो इसी देश का एक हिस्सा, हमारे लिए आपने क्या किया? अगर कुछ किया होता तो धड़ाधड़ी किलिंग्स नहीं होती, क्यों मारे जा रहे कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित से किसी का क्या बिगाड़े? वो जयमल बिंदु कल मारे गए हैं, वो तो वहीं पे वहीं के लोगों की सेवा करते थे ना। हो सकता था कोई टेररिस्ट भी वहाँ पे दवाई लेने आता हो, अपने जख्म ठीक करने आता हो, उसने उन्होंने क्या बिगाड़ा था उसका? हमारा प्रोटेस्ट कश्मीरी के पीस के किलिंग्स के लिए, जो लगातार किलिंग्स हो रही है उसी के लिए हमारा ये प्रोटेस्ट है। तो हम ये तो शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए कि इतनी किलिंग्स हो रही, वो भी कश्मीरी पंडित की। एक तो हमने अपने घर छोड़े, हमने सब कुछ छोड़ा, हमारा इतना बिजनेस होता था, यहाँ हम दर दर भटकने को, मतलब किराए पर रहने को हम मजबूर है, ये हमारी मजबूरी है। नहीं तो हम ऐसे लोग थे, हम 100 लोगों को अपने घर में खाना खिला सकते थे। ये एक तमाचा है मोदी सरकार पे कि उन कश्मीरी पंडित की किलिंग हो रही है, ये देश का एक ऐसा हिस्सा। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी, आप माना हमने कि यू आर द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, हम मानते, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन सर हम भी तो इसी देश का एक कोना है, हम भी तो इसी देश का एक हिस्सा, हमारे लिए आपने क्या किया? अगर कुछ किया होता तो धड़ाधड़ी किलिंग्स नहीं होती, क्यों मारे जा रहे कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित से किसी का क्या बिगाड़े? वो जयमल बिंदु कल मारे गए हैं, वो तो वहीं पे वहीं के लोगों की सेवा करते थे ना। हो सकता था कोई टेररिस्ट भी वहाँ पे दवाई लेने आता हो, अपने जख्म ठीक करने आता हो, उसने उन्होंने क्या बिगाड़ा था उसका? हर किसी का भला ही करते थे, वो तो माइग्रेट भी नहीं थे, वो तो वहीं पे थे। जब वो 30 साल से उन्होंने उनसे किसी को तकलीफ नहीं हुई, तो कल क्या तकलीफ होगी? वो बेचारे अपना घर चला रहे थे, उल्टा वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो क्या गलती होगी ये कश्मीरी पंडित से? हमने तो कभी किसी को नहीं मारा, हमने तो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, हमने तो बंदूकें नहीं उठाई, फिर भी हमें किल किया जा रहा है, आखिर क्यों और आखिर कब तक? मैं मोदी सरकार से यही कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए और हम वापस जाना चाहते हैं। मोदी सरकार हर बार ये बात बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस भेजेंगे, वापस भेजें, लेकिन ना तो हमें वापस भेजा, वापस भेजने की बात तो दूर है, पहले हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए। अगर हम वहाँ पे सेफ है, गवर्नमेंट हमें रिटर्न में दे कि आपको कोई टच नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हम भेड़ बकरिया नहीं है, दिन ब दिन मारते जा रहे, हम इंसान है, जिंदगी एक बार मिलती है। कश्मीरी पंडित हमेशा बलि का बकरा क्यों बने? आपको लगता है कि 90s का टाइम वापस दोहराया जाए? वैसे ही हालात लग रहे हैं, लेकिन हम यही गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि वैसे हालात ना होने दें। हम अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने विद सिक्योरिटी, विद ऑनर, विद डिग्निटी अपने घर वापस जाना चाहते हैं। जमीनें वगैरह हैं वहाँ? हाँ जी है, वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ जी, हम जाना चाहते हैं और हमारे मेरे हस्बैंड वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, हम अभी भी वहीं पर रह रहे हैं। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जो हमारे वहाँ पर भाई बहन, हमारे फैमिलीज वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचें, हमें विद पूरी सिक्योरिटी दे, हमारे बारे में कुछ सोचें, तो हम अपने घर वापस जाएंगे।